जी हाँ दोस्तों, सत्य की हमेशा जीत होती है, यह प्रमाण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अयोध्या रोड चौड़ीकरण का कार्य कहाँ तक संपन्न हुआ है और अभी कितना बाकी है, वो सारी चीज दिखाएंगे अपने वीडियो में। तो हमारे वीडियो में ऐसे एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी अयोध्या नगरी, और देख सकते हैं कि अभी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, पर अभी पूरा नहीं हुआ है। घर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चौड़ीकरण की बीच में जो आए हुए हैं वो टूट रहे हैं। जैसा कि दोस्तों रामनगरी अयोध्या में इन दिनों विकास की गंगा बह रही है। एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा नई अयोध्या का सृजन तेजी से साथ चल रहा है। 84 कोस परिक्रमा के परिधि अयोध्या के हर कोने पर प्रभु राम के दर्शन हो, ऐसी योजना बनाई जा रही है। ये हम बिड़ला धर्मशाला की तरफ से जा रहे हैं, जो बेनीगंज की तरफ रोड जाती है। इधर से हम राम की पैड़ी पर रास्ते पर जा रहे हैं। तीन तरफ से रोड चौड़ीकरण का निर्माण जारी हो चुका है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अयोध्या नगरी में, और आप सब देख सकते हैं कि कितनी तेजी से रोड चौड़ीकरण का निर्माण हो रहा है। काफी घर इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर थे वो सारे इसके रोड चौड़ीकरण के अंदर आए हुए हैं, और सारे घरों का पुनः निर्माण होगा, और उसका एक यूनिक मॉडल तैयार किया गया है। भगवा कलर रहेगा, और भगवान श्री राम के मंदिर की तरीके से उसका आकार दिया जाएगा, जैसा कि ये आप सबको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हर एक घर का डिज़ाइन होगा, और हर एक स्थान पर अयोध्या की तरफ आने वाली रोडों पर भगवान श्री राम की मूर्ति भी लगाई जाएगी, ताकि अयोध्या में से पता चल जाए कि वो अयोध्या में एंटर कर चुके। अभी हम इधर हनुमानगढ़ी के रास्ते पर चल रहे हैं। पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज आप सबको देखने को मिलेगा कि रोड चौड़ीकरण जिस तरीके से हुआ है, इसका बेनिफिट और इसका फ़ायदा। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने में हम लोगों को जगह मिल गया है। अब आराम से हम लोग हनुमानगढ़ी के अंदर हनुमान मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आसपास मिठाइयों की दुकान, हजारों दुकानें हुआ करती थी, लेकिन इस समय कोई दुकान नहीं दिख रही है, क्योंकि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, और इन सारे दुकानों का भी ध्यान दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी उसका जगह पर उपलब्ध दिया जाएगा ये सारे कार्य होने के बाद। तो अभी आप सब देख सकते हैं कि यहाँ के आसपास एरिया में किस तरीके से रोड चौड़ीकरण अपने काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी हम चल रहे हैं राम की पैड़ी की तरफ, और पूरा रोड अयोध्या जिधर जिधर से रोड तैयार हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे और घुमाएंगे, और चलिए चलते हैं। आ चुके हैं लता मंगेशकर चौराहा। जी हाँ दोस्तों, हमारी माननीय गीतकार लता मंगेशकर जी की याद में यहाँ पर चौराहे का निर्माण हुआ है। 40 फीट 14 टन भारी वजन का ये बीड़ा रखा गया है उनके सम्मान में, और उसको यूनिक नेम दिया गया है, लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाता है। इसकी भव्यता और सुंदरता आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। और अभी हम चल रहे हैं अयोध्या के कुछ फूड्स के बारे में आपको दिखाएंगे, और वहाँ की भी सैर करवाएंगे। सबसे पहले हम इधर गोंडा की रोड पर आ चुके हैं, जो
नए घाट के ब्रिज की तरफ लेकर जाता है। अभी यहाँ पर ये लाइन से देख सकते हैं सरकार की तरफ से किस तरीके से भगवा कलर का स्टॉल खोला गया है लाइन वाइज, और यहाँ पर स्ट्रीट फूड्स का भंडार आपको मिल जाएगा। रामकथा पार्क के बगल लता मंगेशकर चौराहा और रामकथा पार्क के बीच में आपको ये स्टॉल उपलब्ध मिल जाएंगे। इसकी वीडियो हमने परफेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, उसको जाके देखिएगा। और कुछ ही महीनों में अयोध्या की भव्यता और सुंदरता आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी भी बाहर से टूरिस्ट लोग आते जाते रहते हैं, अभी इस समय भी काफ़ी भीड़ होती रहती है अयोध्या में। आप सब बस देख सकते हैं, ये सब टूरिस्ट के बस हैं, यहाँ पर आते हैं 10 दिन एक हफ्ता पूरी अयोध्या नगरी को घूमकर विजिट करके यहाँ से जाते हैं। और अभी से इतना भीड़ है तो अभी तो न्यू निर्माण हो रही है हमारी अयोध्या सिटी की, तो आगे आप लोग सोच सकते हैं कि अयोध्या नगरी में कितने भव्यता और कितनी सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए हमारे YouTube चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आप सबके लिए अयोध्या से ऐसी ही अच्छी सी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सुदस रथ अचर बिहार।